नमस्कार, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारीफ के लिए हम कहते हैं शब्द भी कम पड़ जाए। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने मेहनत से अपने दम पर काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली ईशा अग्रवाल ने नारी फर्स्ट ज्वेल ऑफ इंडिया का खिताब जीता है और वो भी एम्प्रेस कैटेगरी में उन्होंने जो फर्स्ट पोजीशन है वो हासिल किया है। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके इस मेहनत के पीछे का राज क्या है, कितना संघर्ष रहा है और उनको कितना अच्छा लगा इस पूरे सफ़र में उनकी ज़िंदगी के। आपका बहुत स्वागत है ईशा हमारे न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आपका स्टार्ट कैसे हुआ और आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ, पूरा नया एक्सपीरियंस है। लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है मेरी, बिकॉज बहुत ब्लैक एंड वाइट लाइफ से आए हैं। बिकॉज लॉयर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ जो स्कूल एंड कॉलेज मेंटेन करती हूँ, फैमिली बिजनेस है। अब इसके बाद ये लाइक एब्सोल्युटली न्यू थिंग। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को लग रहा होगा कि काफ़ी यंग फेस, यंग लेडी और इतनी जिम्मेदारी नहीं होगी शायद, लेकिन आप खुद सुन रहे होंगे ईशा जी से कि वो खुद कह रही हैं कि एंटरप्रेन्योर और उसके साथ लॉयर, उसके बाद एक मदर भी हैं, दो बच्चों की मदर हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे मैनेज कर लेती हैं सारा टाइम, कैसे मैनेज करती हैं टाइम? इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट आई बिलीव, यू नो, आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो और प्रायोरिटीज सेट करनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो अब भाग नहीं सकते हो और मैं भागने वालों में से नहीं हूँ डेफिनेटली। सो यस, आई डू मैनेज एंड सपोर्टिव फैमिली है, बच्चे बहुत सपोर्टिव है, एंड टच वुड ब्लेस्ड विद टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रेन, तो दे आर वेरी सपोर्टिव। सो यस, आई कैन मैनेज दैट। मॉडलिंग में करियर की शुरुआत कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुआ? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई प्लानिंग तो नहीं था मेरा, बट माई डॉटर पुश्ड मी लाइक यू नो यू कैन ट्राई, बिकॉज मैं बहुत सेल्फ लव में बिलीव करती हूँ, तो मुझे हमेशा अच्छा रहना, यू नो, फैशन मेरा बेसिकली पैशन रहा था एंड इसे मैंने अपने लाइफ में अडॉप्ट किया रहा। फिर मेरे बच्चों ने मुझे पुश किया कि यू नो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। सो ऑल ऑफ वन सडन मैंने कॉन्टेस्ट का देखा, ब्यूटी पेजेंट, एंड बस फॉर्म भर दिया एंड माई जर्नी स्टार्टेड। लाइक हैड अ मिनी वर्कशॉप्स जो बहुत यू नो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, ग्रूम करता है एज पर द मॉडलिंग करियर एंड ऑल। सो The journey started beautifully. अच्छा, already एक मदर होने के नाते आपके कंधों पर, आपके सिर पर बहुत जिम्मेदारी है। Absolutely. और अब आपने जब इतना बड़ा खिताब जीत लिया है, आपका क्राउन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, आप उसमें ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। कितना आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत अहम हो गया है, कितना रोल चेंज हो जाएगा? Well, I think one more feathers add on my wings, so I'm taking it very proudly. And I'm ready for the new challenges. I'm looking forward. जो जैसा अच्छा आएगा, ठाकुर जी की कृपा रहेगी, तो मैं इसे भी अच्छे से कर लूँगी। हाँ, अच्छा, ये कहते हैं मोस्टली कि मतलब हर बच्चा अपनी माँ को क्रेडिट देता है, अपने घर वालों को क्रेडिट देता है, हमें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं। Exactly. लेकिन आप क्रेडिट अपनी बेटी को दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे उन्होंने पुश किया आपको? शी वॉज ऑलवेज बीन वेरी मोटिवेटिंग, यू नो, शी एडमायर्स मी कि मम्मा आपके जैसा बनना है, यू नो, तो हर चीज़ में वो मेरे साथ रही हैं। बीइंग अ सिंगल मदर जर्नी आसान नहीं रही, तो मैं जहाँ भी ट्रैवल कर रही हूँ काम के सिलसिले में, मैंने अपने बच्चों को साथ में लेके ट्रैवल किया, तो उन्होंने मुझे देखा है, यू नो, हर हर्डल्स को पार करते हुए, या कुछ चैलेंजेस होती थी तो डिप्रेस भी हुई हूँ, बट ऑब्वियसली लाइफ है, इतना आसान नहीं होता, तो उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, तो वो मेरे लिए ना सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहे। तो नाउ व्हेन दे सी कि आई एम डूइंग प्रिटी वेल मैन अ वर्क, घर, बच्चे, लाइक मैं अभी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके ही आ रही हूँ यहाँ पर, सो वो भी पार्ट ऑफ माय लाइट है। यस, सो शी वाज लाइक, यू नो, शी वांटेड टू सी मी इन अ बिगर प्लेटफॉर्म। उनको लगता था मेरे बच्चों को कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, यू कैन डू मोर एंड हमारी चिंता मत करो, हम तो साथ में हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं, जैसे आप एक मदर बनी, मदर बनने के बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आए, तो अकेले लड़ना बच्चों के बीच में, फिर अपने प्रोफेशन पे फोकस करना, आपको लगा नहीं कभी कि कोई चाहिए या आगे बढ़ने के लिए किसी की ज़रूरत होती है क्या? आगे बढ़ने के लिए तो मुझे नहीं लगता किसी की ज़रूरत होती है। ये मैसेज आपका बहुत सिंगल वुमेन्स के लिए काम आएगा। एग्जैक्टली, इस प्लेटफॉर्म में आने का मेरा रीज़न भी यही था कि मैं ये चीज़ को, यू नो, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ आई कैन हैव माई वॉइस टू से दैट यू डोंट नीड एनी वन टू ग्रो, बिकॉज पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, साथ चलने वाले नहीं मिलते हैं। मेरे लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहे, बहुत फेलियर्स रहे, मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं होता है आई बिलीव,
एंड बस आपको अपने में विश्वास रखना चाहिए. फेथ बहुत बड़ी चीज़ है. मैं ठाकुर जी पे बहुत विश्वास रखती हूँ. आज मैं जहाँ भी हूँ उनकी वजह से हूँ. तो ही वॉज लाइक ऑलवेज अ गाइडिंग लाइट फॉर मी. सो यस, मॉडलिंग के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं काफ़ी संघर्ष होता है, मतलब आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं ऑडिशन से लेकर फिर आगे जब आप इंटरव्यूज देते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हम सुनते हैं कि जिसमें आपको जो आप नहीं चाहते वो भी करना होता है. क्या ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस रहता है क्या? सी मैं इससे पूरी अग्री नहीं करती हूँ बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडलिंग करियर में होता है. ये हर जगह मिलता है आपको. इंडियन सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. आई मे साउंड फेमिनिस्ट बट दिस इज़ अ फैक्ट. मैं कॉरपोरेट में भी काम कर आ चुकी हूँ. मेरी लाइफ काफ़ी ऊपर नीचे से आई है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में होता है. बट येस, आपको क्वेश्चन आंसर्स राउंड्स, इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं. यू नीड टू गो थ्रू दैट मेनी टेस्ट. आप स्कूल में भी जाते हो, एग्जाम देते हो ना, तब तो नेक्स्ट पहुंचते हो. सो टेक इट इन पॉजिटिव वे. से आता है कि एक क्वेश्चनिंग राउंड होता है आई गेस. करेक्ट. और उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? दो राउंड्स थे. जब मैं टॉप 5 में आई, टॉप 15 पे आई, तब दो एक क्वेश्चन आंसर्स राउंड था. सबके लिए इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे. जो पहला क्वेश्चंस मेरे लिए आया था, सवाल यही था कि डू यू बिलीव वुमेन सेक्रीफाइस मोर देन मैन. सो ऑब्वियसली मेरा जवाब येस था, क्योंकि सेक्रीफाइस की तो अगर लिस्ट खोलूँगी तो मेरे ख्याल से वुमेन सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है जिस दिन से पैदा होती है. तो ये एक राउंड था. फिर फाइनल 5 में जब हम थे, कॉमन क्वेश्चंस होता है जो पांचों के लिए सेम होता है. वो आंसर्स आपको लिखने रहते हैं. तो बस क्वेश्चंस में था हमारे लिए कि व्हाट यू लव द मोस्ट अबाउट द इंडियन इंडिया. सो ऑब्वियसली इंडिया इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, कल्चर एंड वी टीच हाउ टू लिव अंडर वन स्काई विद पीस एंड ह्यूमैनिटी. दैट वॉज माई आंसर. बिकॉज आई बिलीव. बड़ा किताब जीतने के बाद ईशा छत्तीसगढ़िया कल्चर भूलेंगी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं. जो बॉलीवुड और फेम और सेलिब्रिटी बनने के बाद लोग अपने कल्चर को भूलने लगते हैं और वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं. मेरे हिसाब से जो इंसान अपने जड़ों को भूल जाएगा वो ज़्यादा दिन ग्रो नहीं कर पाएगा. और मैं वो इंसान हूँ जो रूटेड हूँ, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअलिटी मुझे रूटेड रखती है, मुझे हम्बल रखती है. सो ठाकुर जी की कृपा से जो रास्ता वो दिखाते हैं मैं वहाँ चलती हूँ. तो अपनों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं है. अच्छा, बेटी से रिलेटेड एक सवाल कि अब जब माँ इतना बड़ा खिताब जीत चुकी हैं, क्या बेटी भी उसी राह पर रहेंगी मॉडलिंग? नहीं, मेरी बेटी डे 1 से डॉक्टर बनना चाहती है. वो भी सर्जन. सो वो अपने एकेडमिक परफॉर्म करना चाहती है. सबके अपने अपने चॉइसेस हैं. फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है. तो यू नीड टू जस्ट वर्क हार्ड. सो आई थिंक वो अच्छा करेगी जहाँ भी करेगी. अच्छा, मॉडलिंग और खैर क्राउन से रिलेटेड तो हमारे सवाल हो ही रहे हैं. छत्तीसगढ़ के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? वहाँ के लोग बहुत वार्म है. लाइक यू नो, आप अगर आएंगे तो आपको बड़े प्यार से स्वागत करेंगे. आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप नए हो और बाहर से आए हो. वो इतने प्यार से सबको अपना बना लेते हैं. ये सबसे अच्छी चीज़ है छत्तीसगढ़ में. वो एक लाइन है छत्तीसगढ़ में, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया. सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया. एग्जैक्टली. तो वो है, यू नो, आपको वहाँ पर जी के खा के सुख है. लोग प्यारे हैं. वो आपको बहुत प्यार से अपने साथ शामिल कर लेते हैं. वो बहुत अच्छी चीज़ है. छत्तीसगढ़ की डिश काफ़ी फेमस होती हैं और देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी चर्चा होती है छत्तीसगढ़ के डिशेज की. तो आपको कौन सा डिश पसंद है? वहाँ भाजी सबसे अच्छी मिलती है. मुझे तो लाल भाजी सबसे ज़्यादा पसंद है. अच्छा, तो छत्तीसगढ़ इट मींस कि आप उससे जुड़ी हुई हैं रूट. हाँ जी, बिल्कुल. अच्छा, जब आपका मतलब आप जब आगे बढ़ रही थी, स्कूलिंग कैसी रही आपकी, स्कूलिंग और कॉलेज, तब तक आपने सोचा था कि आप इस लाइन में जाएंगे? कभी भी नहीं. मैं बहुत ही हम्बल फैमिली से आती हूँ, जहाँ एडुकेशन फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो हमें बचपन से सिखाया गया पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, यू नो. सो आई वॉज़ वेरी अकेडमिक फ्रॉम द डे 1. तो स्कूलिंग मैंने कॉन्वेंट से की है, छत्तीसगढ़ से ही. और नॉर्मल जैसे सारे बच्चे होते हैं, बस ठीक है. थोड़ी ट्रैवलिंग मुझे ज़्यादा पसंद थी तो मैं ट्रैवल ज़्यादा करती थी, इसलिए थोड़ा फैशन से इन्फ्लुएंस थी, यू नो, जब तक मैं कॉलेज तक पहुँची. कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन रहता था? नॉट एग्जैक्टली द फोक काइंड ऑफ, बट येस, एक्टिविटी स्कूल में ज़्यादा रहती थी. लाइक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट मुझे ज़्यादा पसंद रहा है. तो चीज़ों को करना, यू नो, मैनेज करना, तो दैट वॉज माई फोर्टे, टू बी ऑनेस्ट. अच्छा, कॉलेज लाइफ में आपने LLB किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ज़्यादा पढ़ना
और बहुत ज़्यादा उसमें इंटू रहना, चीज़ों को समझना, और एकदम से ये वाली लाइन, स्टारडम वाली और एकदम ही लाइट कैमरा एक्शन वाली लाइन नहीं, एकेडमिक भी थोड़ी सफ़र ऊपर नीचे रही है. मैं बीकॉम पहले किया, फिर एमए किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पर मुझे अपनी वॉइस रखते बने, बिकॉज मैं थोड़ी सी शुरू से रही हूँ कि सही को सही और गलत को गलत बोल देती थी, तो बहुत नुकसान सहे हैं. किताबों में रहना आसान है या फिर कैमरे के सामने रहना? मुझे लग रहा है दोनों सिमिलर है अब तो क्योंकि दोनों में ही आपको अपने साथ ट्रुथफुल रहना पड़ता है. आप फेक नहीं कर सकते हो, चाहे आप एकेडमिक में हो, चाहे आप कैमरे के सामने हो, आप जैसे हो, यू हैव टू गिव योर 100%. सो आई बिलीव मोर ऑर लेस सेम. क्रेडिट किसको देंगी? फैमिली में बेटी और बेटा भी है आपका? हाँ जी. तो उनके अलावा और किसका सपोर्ट रहा है? द डे वन माई मदर. नो, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत ही लिमिटेड, आई कैन काउंट इन. अच्छा, उनके लिए भी कुछ बताइए जो ज़्यादा फ्रेंड्स फ्रेंड्स में रहते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये जिसने जो कहा वो सही है. वो डिस्ट्रैक्शन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज कोई और आपके बारे नहीं जानता आप जितना अपने बारे जानते हो, और जो सही है या गलत है वो सिर्फ आप तय कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता. तो बी गुड फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, देन अदर्स. अच्छा, बेटे के बारे में कुछ बताइए. बेटी तो काफ़ी आपको बोलती है कि आगे बढ़िए, अच्छा लगता है. हाँ, माई सन इज़ द सेम, लाइक इज़ अ सुपर फैन ऑफ माई. वो पहला फ़ैन है मेरा ऑनेस्टली घर पे. फ्रॉम दैट डे वन मैं कुछ पहनूँ तो वो मुझे चेक करेगा कि आप ठीक दिख रहे हो कि नहीं, आपका काजल ठीक है कि नहीं, आपने साड़ी पहनी है कि क्या पहना है. तो माई किड्स आर लाइक माई सोल, मैं जिन्हें देख सकती हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं. और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तो मेरी माँ है. मेरे हर बुरे अच्छे वक्त में वो मेरे साथ रहीं. लोगों ने जज किया पर उन्होंने नहीं किया, अनकंडीशनली वो मेरे साथ खड़ी रही. अच्छा, जब एक विमेन शादी के बाद सिंगल हो जाती है बिकॉज ऑफ रीजंस, मेनी मोर रीजंस, और उस वक्त उसको बहुत ताने लोग मारते हैं कि या तो आगे बढ़ जाओ कहीं और, दूसरा ऑप्शन ले लो, या फिर कहते हैं कि ऐसे कौन रहता है. आपने भी कुछ ऐसा फेस किया? बहुत बहुत ज़्यादा, बिकॉज लोग आपको लेंस के थ्रू से ही देखते हैं. आपके हर मूवमेंट को जज किया जाता है ये जाने बगैर कि आप क्या फेस कर रहे हो लाइफ में. बट दे कीप ऑन जजिंग यू, यू नो, कॉन्स्टेंट. फिर आप बाहर देखना शुरू करते हो वैलिडेशन कि मैं सही कर रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ. वो संभालना बहुत ज़रूरी है. इंडियन सोसाइटी में अभी भी ये चीज़ें हैं. अकेले क्यों हो, अभी क्यों जा रही हो, ये किसी और को बोल दो. आपकी बेटी कितनी बड़ी थी या बेटा कितना बड़ा था जब आप अकेले हो गए? मेरा बेटा 2013 में पैदा हुआ, 2014 से मैं अकेले हूँ. मेरी बेटी बड़ी है, उनमें सिर्फ एक साल का ही अंतर है. तो बहुत छोटे में थे उस टाइम पे. मैं काफ़ी डिप्रेस थी. मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं थी या मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं हूँ स्ट्रांग. समय ने मुझे ज़रूर बनाया स्ट्रांग. अच्छा, एक रिपोर्ट मैं पढ़ भी रही थी, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं उसमें, आफ्टर कोविड मोस्टली डिवोर्स के केसेस आए हैं. इसके अलावा किसी ना किसी रीजंस की वजह से हम बहुत सारे शहरों में, इलाकों में, गांव में देखते हैं कि जो रिश्ता है वो नहीं चल पाता है. और कई बार जो विमेंस है वो अपने आप को बहुत लो फील करती हैं और कुछ भी नहीं करती, फिर कुछ भी नहीं करती वो. उनको ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, यानी एक चीज़ इंसान पीछे गया तो वो अपने आप को ही ज़ीरो पर ला देती हैं. एग्जैक्ट, उसके लिए कुछ बताइए. खुद पे विश्वास करना चाहिए, आप दूसरे पे डिपेंड करके ना चलें. मुझे लगता है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लड़कियों को ये कहा जाए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. क्योंकि अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना, तो आप किसी की तरफ देखोगे नहीं कि वो आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा. आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि जो आप लोगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप सही गलत रहेगा वो आपका रहेगा. यू डोंट लुक फॉर अ वैलिडेशन इन द आउटर वर्ल्ड. आप जिस कैटेगरी में नंबर वन आई है वो भी इसी से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट वुमन? नो, दिस वाज एन एज फैक्टर. देयर वाज अ प्रिंसेस एंड एम्प्रेस ग्रुप. मैं एम्प्रेस ग्रुप से विनर हूँ. सो दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. बट यस, अच्छा, वहाँ का माहौल कैसा रहता है अंदर का? क्योंकि ये जानने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है कि जब इतने सारे 130 जितने भी कंटेस्टेंट्स थे आपके साथ में, उनके बीच में आप अगर इतना आगे बढ़ी हैं तो फिर जाहिर सी बातें सीखना तो पड़ेगा ही उनसे कि क्या करना चाहिए. आपके मंत्र बहुत ज़रूरी होंगे. तो कितना अलग माहौल रहता है अंदर? माहौल अच्छा है. सी, यू हैव टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव. दिस इज ओनली आई थिंक आई कैन से, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग हैं, आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, बट आपको अपने साथ ट्रू रहना पड़ता है. आप फेक नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप द मोमेंट एंटर करते हो उस इवेंट के लिए या उस वेन्यू पे,
you are under the lenses. Mm. It is not that when you come in the stage, you are going to judge. You're going to judge from the moment you have entered the place. Mm. तो आप कैसे उठते हो, बोलते हो, किससे मिलते हो, आपका व्यवहार कैसा है, वो हर चीज़ जज किया जाता है. तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रू टू योर सेल्फ, दैट्स इट. अच्छा, बहुत कम ऐसे वक्त होते हैं, चांसेस होते हैं कि जब आपकी इतनी मेहनत इतने लोगों के बीच में रंग लाए. कई बार नहीं भी होता है ऐसा. करेक्ट. तो उसके लिए बैकअप ऑप्शन क्या होना चाहिए? आई रियली हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं करना. अपने पर विश्वास रखो. अगर आपको लगता है यू आर डिजर्विंग एंड यू हैव गिवन योर बेस्ट, ट्राई इट वंस अगेन. इफ यू रियली लुक फॉरवर्ड कि यू वांट टू अचीव दैट, ट्राई हार्ड वंस अगेन. मैं कितने बार फेल हुई हूँ अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, जिसकी गिनती नहीं है. बट मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि जिंदगी मुझे अच्छी मिलेगी. ऊपर वाले ने कुछ अच्छा सोचा होगा. जो नहीं मिला शायद वो मेरे लिए नहीं था. बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम. अच्छा, अब इस प्रतियोगिता के बाद, इस कंपटीशन के बाद आगे क्या प्लान है? अभी एज अट कुछ प्लान किया नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. दूसरा कंपटीशन? नो, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी कंपटीशन फर्दर. बट यस, आई एक्सेप्ट द लाइफ, द वे इट्स कम टू मी. तो अगर ठाकुर जी ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा तो डेफिनेटली फैशन इंडस्ट्री या बॉलीवुड, वट एवर इट मे टेक, आई एम ओपन फॉर इट. यस, आई एम ओपन फॉर इट. आई एम रेडी फॉर द लाइफ, यू नो. आई एम अ हैप्पी गोइंग पर्सन. यस. तो ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि पता नहीं हमें सफलता कब मिलेगी, या अगर कभी भी हमें लगता है कि फेलियर हमारे हाथ लग गई तो हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है. उनके लिए एग्जांपल हैं ईशा, और वो बता भी रही हैं कि आखिर उनके मेहनत के पीछे कितनी ज़्यादा संघर्ष, चैलेंजिंग चुनौतियाँ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रही हैं. मलाइका अरोड़ा ने आपको ये क्राउन पहनाया था, वो पल आप बताइए, उसको डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि वो सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ऑनेस्टली मैंने उम्मीद नहीं रखी थी. आई वॉज लाइक इन्जॉइंग द एंटायर जर्नी एंड आई वॉज स्टैंडिंग आइडल. ऑल ऑफ सडन मेरा जब नाम अनाउंस हुआ तो मुझे थोड़े देर बाद रियलाइज़ हुआ कि यू नो मेरा नाम बोला गया. एंड मलाइका आस्क्ड मी, कम ईशा, मतलब शी वॉज ऑल्सो लाइक वे यू ड्रीमिंग. सो इट वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल. एंड अच्छा, आज तक हमने ये सिर्फ देखा है स्क्रीन पर कि जब किसी का नाम अनाउंस होता है तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम ऐसे स्टैच्यू हो जाता है. बट मैं तो किसी और ही दुनिया में थी, मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया था अपना नाम. तो मेरे लिए तो ऐसा था कि नो, मलाइका ने मुझे बोला यू नो एक्शन से कि यू कम, तो मैंने कहा अच्छा मुझे आना है. तब मैं गई. अच्छा, तो उस वक्त जब क्राउन पहना रहे थे तो आपके दिमाग में आई वाज सो हैप्पी एंड द फर्स्ट थिंग केम इन माय माइंड वाज लाइक यू नो थैंक यू माय ठाकुर जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुश मेरी बेटी हुई है. तो आई वॉज मिसिंग हर बिकॉज मैं अकेले गई हुई थी. मेरी फैमिली में से कोई नहीं था उस वक्त मेरे साथ. सो मुझे सबसे पहले उसकी याद है, क्योंकि उसका नाम भी कृष्णा है. इसलिए आपने ही रखा है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने ही रखा है क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ. अच्छा, so, अभी तक घर गए आप? हाँ, मैं घर सबसे पहले मैं अपने मम्मी से मिलने गई हूँ, और उसके बाद फिर मैं बालाजी गई. तो मेरी दौड़ वहाँ की हो गई है पूरी. मम्मी ने क्या बोला? शिवा सुपर हैप्पी. सुपर मीन्स सुपर, क्योंकि उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है, मेरी तकलीफ देखी है. तो आज मुझे इस जगह पर देख कर मुझसे ज़्यादा शायद उन्हें खुशी. अच्छा, हर कोई ये चाहता है कि विनर के टिप्स ज़रूर लें. हर कोई ये चाहता है, और ज़्यादातर मोस्टली लोग वीडियोस भी देखते हैं कि यार ये विनर है, और या तो ये फर्स्ट है, तो ये टॉपर है, तो इसका इंटरव्यू ज़रूर देखेंगे कि इसने क्या किया है. आप एक मदर भी हैं, आप एडवाइस भी दे रही हैं, प्लस आप टॉपर विनर भी हैं, जो आप बता रही हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है. आपकी मम्मी ने आपको क्या एडवाइस दिया है लाइफ में? मम्मा ने सिर्फ मुझे यही कहा कि अपने पे विश्वास रखो, नो मैटर व्हाट कौन क्या कह रहा है. फर्स्ट टाइम फेलियर याद है आपको? अरे बहुत सारे, ना ही पूछो तो अच्छा. आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स बैकवर्ड्स, सो बेटर हम पीछे जाके ना पढ़े, अब आगे की बात करें. नहीं, पॉजिटिविटी की अच्छी बात चीज़ करें. है, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हम आगे बढ़ते रहें, बल्कि पीछे की चीज़ों को ना देखें. ये भी एक बड़ा मैसेज है exactly. लोगों के लिए कि पीछे की चीज़ें पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए. ईशा, आपको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. और हम चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा आगे बढ़िए. पूरा न्यूज़ 18 का परिवार ये चाहता है कि आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ें, आप आएँ और ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस शेयर करें. बहुत बहुत थैंक यू आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो आज न्यूज़ 18 पर आपने ईशा अग्रवाल को सुना, और उनकी कामयाबी के बारे में सुना, उनके संघर्ष के बारे में सुना, और इससे सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिलहाल नमस्कार.